बट अगर आपको एक बात ध्यान रखना होगा, अगर आपको इस तरह कभी कुछ करना है तो आप ध्यान रखना कि अपना चेक इन बैगेज मत देना। अगर आप चेक इन बैगेज दिए तो आप चाहो तो इस प्लेन को इथियोपिया में छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपका बैग पहुँच जाएगा युगांडा तो तोला तो अराउंड 2 किलो ज़्यादा हुआ, 2.5 किलो ज़्यादा हुआ। तो बोलते हैं कि आपको देने पड़ेंगे $25 पर किलोग्राम। मैंने कहा भाई एक काम करता हूँ, मैं पहन लेता हूँ इस कपड़े को, ठीक है। इंडिया ब्राज़ील Yeah. Looks pretty nice. Yeah. Shibum found a new potential wife. He might be married for the 3rd time. Startup. Good morning guys and welcome back to the channel. तो कैसे है ब्लॉग? Wow. कैसा है ब्लॉग? Wow, इसको भी आ गया। तो कैसे हो आप लोग? भाई ये देखो लिफ्ट सही है यार। Welcome to Inception. इस तरह आएगा भाई। Even upstairs. और upstairs भी इस तरह। नहीं upstairs उतना नहीं है। इस तरह देखो भाई। खतरनाक लेवल का लिफ्ट है ये। Okay. Hot dogs all over. तो hot dog लेके वैसा चल रहे हैं। Scares them. Okay, let's go. इसको तो भाई इस तरह पे ये हमारा होटल था जहाँ पे हम लोग रात को रह रहे थे। I guess रिसेप्शन में कोई होगा। Hello. Morning. Do you have a microwave? No. Okay, no worries. Okay, is check out, okay? What's your number? 307. 307. Okay, thank you very much. Thank you, brother. Do you know where I can get a taxi? Outside there. Outside there? Okay, thank you very much. तो भाई टैक्सी पकड़ के निकलना चाहिए अब क्योंकि काफ़ी और बेस्ट रात हो गया है, रात हो रहा है अभी। थोड़ा ऐसा दिख रहा है हमारा, ये था आईबीएस स्टाइल, काफ़ी सस्ता पड़ा था। हम लोगों ने इसके लिए पे किया था 2000 रुपये, तो 1000 रुपये इसका हो गया, 1000 रुपये मेरा हो गया। सबसे अच्छी बात क्या थी कि उन्होंने हमें अर्ली चेक इन करने का मौका दिया। मतलब हम लोग सुबह 6 बजे आए हैं, तो जनरली क्या होता है कि वो पहले रात एक्स्ट्रा पैसा मांगते हैं 50%। तो जैसे कि अगर आप 2000 या 1000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है अर्ली चेक इन का, बट हमें नहीं देना पड़ा। अच्छी बात वही लगी, फटाफट अब चला जाए जितना जल्दी हो सकता है। थोड़ा अभी टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 में दिक्कत हुआ था, बाकी पहुंच रहे हैं हम लोग। टर्मिनल 3 है, मोस्ट ऑफ द एयरलाइन यहाँ टर्मिनल 3 से निकलती है। जब मैं आता है केन्या एयरवेज टर्मिनल 3 से निकलती है। चीप एयरलाइन जैसे कि हो गया फ्लाई दुबई, इंडिगो वगैरह सस्ती एयरलाइन, वो निकलती है टर्मिनल 2 से। तो गाइज़ आ गए हम लोग टर्मिनल 3 पे। ये है टर्मिनल 3, ठीक ही है, ठीक ही दिखता है ये। And this is, yeah, there's three terminals. No, terminal 1 don't work. Terminal 2 or terminal 3 works only. So guys, हम लोग जा रहे हैं अब चेक इन करवाने के लिए। It's not allowed? Okay, it's fine. I'll close it. Thank you. So guys, हम लोग आ गए हैं टर्मिनल 3 पे और ये है चेक इन एरिया, एरिया 5। हम लोग फ्लाई कर रहे हैं इस इथियोपियन एयरलाइन से, जो कि यहाँ से जाएगी पहले इथियोपिया, इथियोपिया से जाएगी कि जो अगली है वो है जो कि कैपिटल है। It's actually really nice. कोई है ही नहीं लाइन में। That's really unexpected for this hour. Yeah, so flight goes in an hour and a half. Wow. And there's only like 2 people there. I think so that it might be like we can ask for an upgrade today. Hi. Good morning. Who is flying now? 613. Yeah, 613. Addis Ababa. I think his passport is with you, right? तो भाई इमिग्रेशन काफ़ी स्मूथ रहा, सॉरी इमिग्रेशन बोल रहा हूँ, चेक इन काफ़ी स्मूथ रहा। उन्होंने फ्लाइट टिकट वगैरह के बारे में नहीं पूछा। Asking for an upgrade is like asking a girl to go on a date. Hey, would you please give me an upgrade? हम लोगों ने पूछा कि क्या एक अपग्रेड मिलेगा मगर बिजनेस क्लास में, तो इन्होंने कहा $500 लगेंगे, $500। तो मैंने कहा ठीक है हटाओ। वैसे ouch. There's only 200. Online, $110 for 200 for 2 person. Oh, for 2 people? Yeah. Oh, for 110. I was just considered that. Did we get a free meal? Yeah, free meal. Yeah, you can sleep there. It was not late night flight, otherwise I would consider it. तो गाइज अब जा रहे हैं, बोर्डिंग वगैरह सब कुछ हो गया। एक बात आपको बता दो कि उन्होंने हमसे फ़्लाइट टिकट मांगी और हमने कहा कि हमारे पास फ़्लाइट टिकट वगैरह नहीं है। तो उसने किसी को कॉल किया, क्या आवाज़ कर रहे हैं, किसी को कॉल किया उन्होंने और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है जाओ, बिना फ़्लाइट टिकट के जाने दिया। तो आपको एक बताता हूँ बात क्या है, ये हम फ़्लाइट लेंगे नहीं, आपको बताता हूँ पूरी बात किसी अलग से साउंड से जगह पे बैठ के बताता हूँ आपको कि हम लोग फ़्लाइट क्यों नहीं लेंगे, आधी फ़्लाइट की क्यों छोड़ेंगे और उससे फ़ायदा क्या होगा हमें। वेल ऐसा ये है। और एक बात मुझे बहुत ख़राब लगी दुबई इमिग्रेशन में यार अच्छा खासा एक छोटे से पेज में मार दो यार, एक पूरा बड़ा सा पेज ले लेते हैं पासपोर्ट का और उसके बीच में मार देते हैं, फिर वहाँ से कोई स्टाम्प भी नहीं आ पाए, कोई वीज़ा भी नहीं जा पाए वहाँ पर। यार पेज की महत्व समझो हम लोगों जैसे ट्रैवलर्स के लिए कम से कम, जबकि जो कि फुल टाइम ट्रैवल करते हो, हम हमेशा पता नहीं इंडिया कब जाना है और पेज हमेशा बचा के रखना पड़ता है। वो लोग ख्याल थोड़ा सा भी नहीं रखे, चलो कोई नहीं, नहीं रखा हम खुद से रख लेंगे। ये ऐसा है माहौल यहाँ पे, ड्यूटी फ्री एरिया आ गया। आज काफ़ी खाली एयरपोर्ट है टुडे, द एयरपोर्ट इज़ सो एम्प्टी टुडे, यू नो, डोंट यू फील लाइक दिस। और ना ही कुछ चेक इन करवाने वक्त भी खाली पड़ा हुआ था, तो हर जगह खाली मिल रहा है आज। सही है, लक अच्छा है हमारा आजकल, ये कह सकते हो आप। तो गाइस पूरा मैंने बैग ले रख लिया पीछे अपना और छोटे से बैग से जा रहा हूँ। काफ़ी सही है भाई यहाँ पे, ये एयरपोर्ट है, सही दिखता है एयरपोर्ट में। भाई यहाँ का ड्यूटी फ्री एरिया काफ़ी बड़ा है, आपको हर जगह बहुत कुछ देखने को मिल जाएंगे, खाना पीना, लेकिन रीजनल प्राइस नहीं भाई, काफ़ी महंगा लगता है यहाँ पे, मैं कभी खाता नहीं हूँ। इथियोपियन एयरवेज है जो कि खाना देती है, तो 4 घंटे की प्लेन है यहाँ से इथियोपिया, इथियोपिया से उसका नाम भूल गया, वो है बुरुंडी की कैपिटल। आपको याद होगा तो मैं बुरुंडी बॉर्डर गया था, उसकी कैपिटल जा रही है वहाँ पर, और वहाँ से फिर ये प्लेन एक और लेगी, जो तीनों प्लेन हो जाएगी युगांडा कैपिटल कंपाला। लेकिन कंपाला के पास एक एयरपोर्ट इसे कहते हैं एंतेबे। तो बेसिकली हम लोग जाएंगे सिर्फ इथियोपिया, हम लोग 2 प्लेन छोड़ देंगे, ऐसे कहते हैं इसकी फ्लैग। इसके बारे में आपको और बताता हूँ कि होता क्या है, काइंड ऑफ ये इट्स नॉट लाइक इलीगल, पूरी तरह से इलीगल तो नहीं है, बट आपको एयरलाइन चाहे तो बैन कर सकती है अगर आप बार बार करो तो। आपको कोई बहाना मारना पड़ता है, हे मेरा पेट दर्द कर रहा है या तो कुछ हो गया, तब आप प्लेन छोड़ सकते हो। प्लेन छोड़ने का जो मेन रीज़न था कि अगर आप यहाँ से इथियोपिया फ्लाई करते हो तो आपको देने पड़ेंगे अराउंड 25,000 रुपये, अगर यहाँ से आप फ्लाई करते हो, ये तीनों प्लेन की बात करो तो उसके लिए मुझे देने पड़े 18,000 रुपये। प्लेन बिल्कुल सेम है तो, लेकिन अगर अफ्रीका में आप जितना ज़्यादा कनेक्शन लेते हो उतना आपको पैसा बचता है। तो वो मतलब रीजन जो हो सकता है कि सस्ती प्लेन है, जो ये वाली जो कोई जाना नहीं चाहता हो एंतेबे वगैरह तो सस्ती पड़ती है। अब मुझे पता नहीं कि ये सस्ती क्यों है, नहीं है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, लेकिन हाँ सस्ती है। बट अगर आपको एक बात ध्यान रखना होगा, अगर आपको इस तरह कभी कुछ करना है तो आप ध्यान रखना कि अपना चेक इन बैगेज मत देना। अगर आप चेक इन बैगेज दिए तो आप चाहो तो इस प्लेन को इथियोपिया में छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपका बैग पहुँच जाएगा युगांडा। अगर मेरे केस की बात कर रहा हूँ, अगर मैं चेक इन बैगेज रहता तो मेरा बैग पहुँच जाता युगांडा और मैं निकल जाता इथियोपिया में। तो मैं निकलूँगा इथियोपिया में, युगांडा में या तो फिर बुरुंडी में, मुझे पता नहीं कहाँ निकलना है, जैसा होगा देखा जाएगा। तीनों कंट्री में कहीं जा सकता हूँ, प्लेन पे जा रहा हूँ, खुद नहीं पता कि कौन से देश जा रहा हूँ। लेकिन अच्छी बात है कि तीनों की तीनों कंट्री हमें देती है वीज़ा अवेलेबल, तो जिस कंट्री में मन करके चले जाओ, कुछ सोचना ही नहीं है कि कौन सी कंट्री जाना नहीं जाना, तीनों कंट्री देती है वीज़ा अवेलेबल। $50 की फ़ी है तीनों कंट्रीज़ के लिए, 50-50-50, बुरुंडी, बुरुंडी, युगांडा एंड इथियोपिया, तीनों कंट्री वीज़ा अवेलेबल देती है हमारे हम इंडियंस को, तो सोचना ही नहीं है कि कौन सी कंट्री जाना है। तो भाई 8 मिनट में गेट बंद होने वाला है, तो हम लोग थोड़ा चल रहे हैं। मतलब यार मैं जनरली 4-5 घंटे पहले एयरपोर्ट पे आ जाता हूँ, 4 घंटे तो मैं नॉर्मल रखता हूँ, बट अब जब से जितना ज़्यादा मैं ट्रैवल करने लगा हूँ ना 2 घंटे में भी 1.5 घंटे भी लगते हैं, काफ़ी है यार, 1.5 घंटे में भी आराम से प्लेन पकड़ लेता हूँ। हम लोग यहाँ पे अराउंड 1.5 घंटे पहले आए थे। If we miss another flight, it's directly your fault. No, it's not my fault. You can go. No, let's go. Dubai fast. Run. नहीं मिस करेंगे यार, इसकी चिंता ना करो। यार 1.5 घंटे भी लगते हैं कि काफ़ी ज़्यादा नहीं हो गया। आराम से बैठे हुए थे यहाँ पे, चाय वगैरह कर रहे थे, घर पे थोड़ी बातें कर रहा था मैं, इसलिए बोल रहा है कि तुम्हारी गलती है। हमारे पास 10 मिनट हैं अभी भी गेट क्लोज होने के पास, लेकिन कोई नहीं, मना लेंगे। गेट क्लोज भी हो गया तो भी निकल जाएंगे, मैंने किया है बहुत बार, इसलिए ये पहला एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे याद है मैंने जो सबसे जो जब मैंने पहली फ़्लाइट ले रहा था, वो मैंने पहली फ़्लाइट मिस की थी। मेरी पहली फ़्लाइट ही मिस थी। ब्रदर डिड आई एवर टेल यू दैट आई मिस माय फर्स्ट फ्लाइट? आज तक मैंने कितनी 3-4 प्लेन मिस की है, वो भी इसमें मिलता है, रिकॉर्ड बनाऊंगा। ऐसे मैंने इस साल 21 कोरोना टेस्ट करवाए हैं, इस साल नहीं पिछले साल को लेके 21 कोविड टेस्ट, बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये 3 लेग की फ़्लाइट है, यहाँ से जाएगी ये इथियोपिया, इथियोपिया में वापस से प्लेन चेंज करेंगे और इथियोपिया से जाएगी वो बुरुंडी, वापस से प्लेन चेंज करेंगे, बुरुंडी से जाएगी रवांडा। ये 3 लेग्स में फ़्लाइट है और तीनों लेग के लिए मैंने जो पे किया है वो पे किया है अराउंड 18,000 रुपये, 18,000 रुपये इंडियन करेंसी में। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर आप सेम प्लेन जो प्लेन जा रही है, अगर आप यहाँ से सिर्फ इथियोपिया के लिए बुक करते या so Ethiopia to Burundi, yeah, then Burundi and then to up to Uganda, yeah. That makes no sense at all. पता नहीं भाई कैसे है ये। और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा था कि अगर आप दुबई से इथियोपिया सिर्फ एक लेते तो आपको 25,000 रुपये पे करने करते, और मैंने 3 लिया सिर्फ युगांडा के लिए, क्योंकि मैं ना इथियोपिया जाने का ही मन था, बट मैंने चेक कर लिया कि चलो देखते हैं रवांडा वगैरह की फ़्लाइट कितनी है, युगांडा की फ़्लाइट कितनी है। तो युगांडा की देखी थी सस्ती फ़्लाइट मिल रही थी मुझे, और प्लेन बिल्कुल सेम था जो कि इथियोपिया की तरफ से जा रहा था। तो मुझे लगा क्यों नहीं मैं इस प्लेन को छोड़ दूँगा इथियोपिया में, अगर मन कर गया तो 2 प्लेन जाने दो, क्योंकि उससे सस्ता ही पड़ा मुझे। ये पता नहीं कैसे काम करता है। तो भाई अभी फ़्लाइट बोर्ड कर रहा था तो उन्होंने कहा कि कितना किलो बैग है, मैंने कहा देख लो तौल लो। तो उन्होंने मशीन लगा रखी थी, तो तौला तो अराउंड 2 किलो ज़्यादा हुआ, 2.5 किलो ज़्यादा हुआ। तो बोलते हैं कि आपको देने पड़ेंगे $25 पर किलोग्राम। मैंने कहा भाई एक काम करता हूँ, मैं पहन लेता हूँ इस कपड़े को, ठीक है, इस कपड़े को मैं पहनता हूँ, क्योंकि जैकेट वगैरह है, काफ़ी कुछ है जो कि पहनने लायक है। पावर बैग अपने मैं पॉकेट में रख सकता हूँ और सारा कुछ सेम बैग में जाएगा, सारा कुछ सेम एयरक्राफ्ट में जाएगा। आप बताओ क्या लॉजिक है कि आप मुझे चाहते हो कि मैं कपड़ा खोल के कपड़ा पहनूं, जैकेट वगैरह पहनूं और सारा कुछ सेम प्लेन में जाएगा। मैंने कहा ठीक है जाओ, जाने दिया। फिर क्या लॉजिक है यार मैंने कहा क्या लॉजिक है। बात तो वही है कि सारे प्लेन एक ही प्लेन में जाना है, बस मैं वो मेरे साथ रहेगा या तो फिर मेरे बैग में रहेगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है जाओ जाओ। अच्छा ये मेरा बैग अराउंड 10 किलोग्राम के आसपास है, इसको और इसको मिला के। ब्राज़ील की बंदी जुड़ गई है, एक्चुअली ये हमारे लिए वेट कर रही थी, काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, आई मेक यूट्यूब वीडियो। थैंक यू, हाय 1 मिलियन फॉलोअर्स, यस। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हमारे लिए कैसे कोई वेट कर सकता है, कि उनको लगा कि चलो साथ ही चलेंगे सब, मतलब सो नाइस ऑफ हर। तो ये भाई साहब कॉफी लाने के लिए गए थे, इसकी प्लेन ये ऑलमोस्ट मिस द प्लेन। Do you realize it? Was it worth it for coffee? Of course, it is always worth for a coffee. मैं आपकी YouTube पे देखता हूँ। Oh, thank you भाई। अभी एक वीक हो गया। वीक हो गया। मैंने अभी आपको देखा है, वैसे मैंने आप। Thank you। चलो भाई चलते हैं, ये है हमारा जाने का रास्ता। Are you a tourist? Yes. Tourist Brazil? Second. Second time? Yeah. Ethiopia? No. Second in Dubai? Yes. Second time in Dubai? No, go Ethiopia tourist? No. Oh, to Brazil? You're going to Ethiopia? Yes. São Paulo? Yes. Brilliant idea. Yeah. Okay. It's the cheapest flight. Connection. Yeah, it's the cheapest flight. I know it. I was checking from here to São Paulo, it was $600. Really? Yeah. It's pretty good. It's pretty cheap, yeah. Sao Paulo? Sao Paulo. You live in Sao Paulo or Brasilia? Or? Yeah, no, yeah. You live there? Live there, Sao Paulo. Yeah. Sao Paulo. Oh, okay. Got it. Makes sense. I don't know. No, it's because it's English. Okay. It's nice. Sorry. Yeah, no Portuguese for me. Hair. I like. It's so long. It's not long. Oh my god. So okay. It's fine. On. It's okay. I like his hair too. I'll just one night I'll cut it off. No, don't cut it off. Otherwise, I will make you bald. Don't you? He wants. Where is my passport? Where is my boarding pass? I have my Indian passport. मेरा boarding pass भाई साहब यही रखते हैं। Brasilia. Yeah. Brasilia. India. Indiski. Brasilia. Wow. Brasilia. Yeah. So great. Yeah. India. US States. America. So I like how big. Wow, so big, yeah. Yeah. I like that. तो भाई फाइनली हम लोग फ्लाइट बोर्ड कर लिए हैं। ब्रिटेन, व्हाट्स गोइंग ऑन? Shibum found a new potential wife. He might be married for the 3rd time. सड़क। भाई ये बंदी मेरे ऊपर काफ़ी फिदा हो गई, मेरे साथ बैठना चाहती है और मुझे बैठना नहीं है उसके साथ यार। हाँ फिलहाल के लिए बाय, गुड नाइट। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो नोमैड्स पर फॉलो कर लो। ये सब जानकारी अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ऑलरेडी मिल चुकी होगी। गुड नाइट।